नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब 2019 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अगर असिस्टेंट लोको पायलट बनते हैं तो आपको ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी कितनी मिलने वाली है। दोस्तों जैसा कि ALPCBT2 का आंसर की आ चुकी है और रिजल्ट अब आने वाला है थोड़े दिनों में, उसके बाद आपका साइको टेस्ट के बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो आपको ये वीडियो में आप देखिए कि इस वीडियो में आपको बेसिक पे के अलावा आपको कौन कौन से भत्ते मिलने वाले हैं, कौन से भत्ते नहीं मिलने वाले आपको। तो इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि आपको सैलरी ट्रेनिंग पीरियड में कितनी मिलने वाली है। तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको डिटेल में एनालिसिस करेंगे आपको, मतलब हर महीने आपको बेसिक पे के अलावा आपको जितने भी वेतन भत्ते हैं कितने मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे ग्रेड पे की। तो अब की बार रेलवे ने लेवल के हिसाब से उन्होंने पोस्टों को डिवाइड कर दिया है, जैसा कि लेवल फर्स्ट की ग्रुप डी की आ जाती है, लेवल टू की आपकी ALP की आ जाएगी। तो ALP की लेवल टू की पोस्ट देखें अगर हम, तो यहाँ पे 1900 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर छठे वेतन के हिसाब से बेसिक पे देखे तो आपको 7730 मिलता था, लेकिन अब की बार देखा जाए तो आपको लेवल टू की पोस्ट के लिए सातवें वेतन के हिसाब से आपको 19900 रुपये के 19900 रुपये आपको लगभग बेसिक पे मिलेगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे ALP और टेक्नीशियन दोनों को ही यहाँ पे अगर बेसिक पे की बात की जाए तो यहाँ पे बेसिक पे उनको 19900 रुपये के आसपास मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि बेसिक पे के अलावा आपको कौन कौन से भत्ते मिलने वाले हैं इसके अलावा। तो चलिए बात करते हैं, आप अगर दूसरे नंबर पे बात की जाए तो डियरनेस अलाउंस। दोस्तों इसको हिंदी में बात की जाए तो इसको महंगाई भत्ता भी बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे DA की बात की जाए अगर ALP के लिए, तो ALP को असिस्टेंट लोको पायलट को यहाँ पे बात की जाए तो 1810 रुपये के आसपास मिलेगा, क्योंकि ये 2018 के हिसाब से बता रहा हूँ कि 2018 में लगभग 7% DA मिलता था, तो उसके अकॉर्डिंगली 1810 मिलेगा। और अगर टेक्नीशियन की बात की जाए तो टेक्नीशियन को यहाँ पे 1390 से 1393 के आसपास यहाँ पे टेक्नीशियन को DA मिलेगा। अब नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंस के बारे में। तो हाउस रेंट अलाउंस आपको कितना मिलेगा इस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करें अगर हाउस रेंट अलाउंस के बारे में, तो इस यहाँ पे तीन टाइप के उनको मतलब हाउस रेंट अलाउंस मिलते हैं, 8% पे, 16% पे, 24% पे। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सी सिटी में आपकी पोस्टिंग है। जैसे अगर आप मेट्रो सिटी में हो तो आपको लगभग 24% के आसपास आपको मिल जाएगा HRA, 24% के आसपास आपको HRA मिल जाएगा अगर आप मेट्रो सिटी में आपकी पोस्टिंग है। तो एक बार के लिए हम यहाँ पे आपका HRA 24% ही लेके चलेंगे बड़ी सिटियों के और मेट्रो सिटी के अकॉर्डिंगली। अब बात करते हैं हम नाइट ड्यूटी अलाउंस के बारे में। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे नाइट ड्यूटी अलाउंस की, तो नाइट ड्यूटी अलाउंस में दोस्तों यहाँ पे आपकी महीने में कितनी नाइट ड्यूटीज होती है उस अकॉर्डिंगली आपको मिलता है। वैसे तो नाइट ड्यूटी अगर बात की जाएगी ड्यूटी की तो 8 घंटे की होती है ड्यूटी, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो 6 घंटे की वो एक यूनिट मान के चलते, अगर आप 6 घंटे की नाइट ड्यूटी करते हो तो आपकी एक यूनिट जाती है और उसके आपको 115 रुपये 6 घंटे की मिलती है आपको। तो महीने में कितनी नाइट ड्यूटी करोगे आप उस अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे पैसे मिल जाएंगे। नाइट ड्यूटी में आपको 6 घंटे के आपको 115 रुपये आपको मिल जाएंगे। तो अब महीने में आपके कितनी नाइट ड्यूटी होती है उस अकॉर्डिंगली आपको पैसे मिल जाएंगे वहाँ पे। तो अब नाइट ड्यूटी अलाउंस के बाद अगर बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं अगर यहाँ पे मेट्रो सिटीज़ की, तो मेट्रो सिटीज़ में यहाँ पे लगभग 1350 प्लस उस पर 7% DA मिलेगा, तो लगभग 7% देखें तो 94 के आसपास होता है। तो हम एक बार के लिए 100 मान लेते हैं, लगभग 1450 के आसपास ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा मेट्रो सिटीज़ में। और अगर बात की जाए अदर सिटीज़ में तो 900 प्लस 900 का 7% देखें तो 63, तो लगभग 963 रुपये अदर सिटीज़ में आपको मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे सेल अलाउंस की। तो यहाँ पे बता दूँ कि पहले सेल अलाउंस क्या होता है, कि जो भी लोको पायलट होता है वो टॉर्च वगैरह जो भी रात में यूज़ करता है उसके सेल के लिए आपको हर महीने उसमें अलाउंस मिलेगा। तो अगर बात की जाए यहाँ पे सेल अलाउंस आपको कितना मिलेगा, तो लगभग आपको हर महीने 100 से 105 रुपये के आसपास आपको सेल अलाउंस वहाँ पर मिलता है। दोस्तों बात की जाए यहाँ पे सेल अलाउंस की, तो आपको सेल अलाउंस लगभग 105 रुपये के आसपास आपको हर मंथ मिलेगा। अब नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम किलोमीटर अलाउंस के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप असिस्टेंट लोको पायलट बनने के बाद आपको लगभग 2 साल तक आपको मालगाड़ी चलानी पड़ेगी आपको, तो मालगाड़ी में पर्टिकुलर आपको जो भी गुड्स वगैरह लेके जाना पड़ेगा तो पर्टिकुलर उनका एक डिस्टेंस वेरी करता रहता है कि किलोमीटर के अकॉर्डिंगली। तो अगर आप मंथली आपको 2500 से 3000 किलोमीटर आपका लगभग वेट जाएगा सबका, तो अगर 3000 किलोमीटर भी अगर आप डिस्टेंस कवर करते हो हर मंथ का तो आपको उसका भी अलाउंस मिलेगा। लगभग बात की जाए तो 3000 के किलोमीटर कवर करने पे लगभग आपको 5000 से 5500 के आसपास आपको उसका अलाउंस मिल जाएगा।
नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम बात करें तो लीव अलावेंस की, तो लीव अलावेंस आपकी जितनी भी आप लीव लोगे तो उसका भी आपको एक अलावेंस उसमें मिलेगा। जैसा कि आपने 10 लीव लिए महीने में, तो एक लीव के अकॉर्डिंग आपको 80 रुपये मिलेंगे, तो 10 के हिसाब से आपको 800 रुपये के आसपास लीव अलाउंस आपका ऐड हो जाएगा वहाँ पे। अब दोस्तों, अगर ओवरऑल बात की जाए कि बेसिक पे NDA, DA, सेल अलाउंस, किलोमीटर अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव अलाउंस और SRI मिला के अगर आपकी टोटल कितनी आपको सैलरी मिलेगी हर मंथ, तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि टोटल आपकी कितनी सैलरी मिलेगी, तो इन सब अलाउंस को जोड़ के आपको 28,350 प्लस, यहाँ पे मैं बात करूँ कि हाईएस्ट मेट्रो सिटी के हिसाब से अगर HRA हाउस रेंट अलाउंस जोड़े 24%, तो आपको लगभग 34,523 रुपये आपको इन हैंड मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं फिर से बताना चाहूँगा कि मैंने हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पे 24% लिया है। अब सब वो अकॉर्डिंगली वेरी करेगा आपका हर मेट्रो सिटी के हिसाब से, या अगर आपका गांव में है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वेरी करेगा। अगर आपको क्वार्टर अवेलेबल है तो आपको HRA नहीं मिलेगा वहाँ पे। अगर आपका अदर सिटी में है तो 8% 16% के अकॉर्डिंगली आपका HRA ऐड हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे मेट्रो सिटी के अकॉर्डिंग लिया, मुंबई और अगर अदर सिटी के हिसाब से भी मैंने लिया है यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको 24% अलाउंस मिलेगा HRA का। तो दोस्तों, अगर टोटल बात की जाए आपको कि मंथली कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे 30 से 35 हज़ार के बीच में आपकी वेरी करेगी। अगर सारे अलाउंस वगैरह मिला के देखें तो अलग अलग सिटी के अकॉर्डिंगली, तो आपका थोड़ा बहुत 2-3 हज़ार का वेरी कर सकता है, लेकिन आपको लगभग टोटल सैलरी लगभग 30,000 प्लस आपको यहाँ पे मिल जाएगी आराम से। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।